अगर इस वक्त टीवी के चैनल खोलो तो कोई इकोनॉमी इकोनॉमी में बहस ही नहीं हो रही, कोई भी चैनल खोल लो, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई लाउड स्पीकर, तुम्हें लगा कि यार कंट्री में बढ़ी यार खुशहाली चल रही, लगता है सबके घर में पैसा आ गया है, कोई डिस्कशन और हो ही नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र में हनुमान यात्रा होने जा रही, तो यहाँ ये होने जा रहा है, मुसलमान वहां झंडा लेके भागे जा रहे हैं, मतलब तुम्हें लगा कि हो क्या रहा है यार देश में, और ये तो होना ही था। अब मस्जिद पे लाउड स्पीकर आज से लगे, पता नहीं कब से लगे हुए, और मुसलमान अगर ये कह रहा है कि मेरा भरोसा है अल्लाह में और पैगंबर में, तो कौन सा बुरा कह रहा है? कौन से हिंदू सारे जैन मंदिर में जाते हैं? तुम अपने हिसाब से पूजा कर रहे हो, किसी में तुम्हारी आस्था है, कोई तुम्हें टोक रहा है, उनकी जो आस्था है वो अपना कर रहे हैं। अब अगर मुसलमानों ने ट्रिपल तलाक को अंत करने की मांग की होती और सरकार उसे तब अंत करती तो उनको बुरा नहीं लगता। तो राजा राम मोहन रॉय तो मांग कर रहे हैं ना सती सिस्टम को खत्म करो, तो हिंदुओं को उतना बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि वो खुद मांग कर रहे हैं। लेकिन जब बिना मांग के सरकार किसी की भी सामाजिक व्यवस्था में दखलंदाजी करेगी, समाज का सीधा संबंध किससे? धर्म से। एक ऐसा आदमी भारत आया, आजकल तो बड़ा लोग बताते हैं कि चरखे से आजादी आई थी। गांधी को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितना महान व्यक्तित्व तो होगा, गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है। गांधी जी बनना आंतरिक ताकत, आंतरिक, यहां एक पुलिस वाले का लोग विरोध नहीं कर पाते, पुलिस वाले का। आज की समाज का आदमी एक पुलिस वाले का विरोध नहीं कर पाता, वो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध कर रहा है आदमी। नोआखाली में एक गांव था रामपुर, कभी उसकी घटना पढ़ना, जब डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हुआ, तो जिस एरिया में गांधी जी थे वहां 80% मुसलमान थे और 20% हिंदू थे, अकेला था वो आदमी, अकेला। और हिंदू मुसलमानों को काट रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को काट रहे थे, और वो आदमी अकेला था रामपुर गांव में, नोआखाली में, हाथ जोड़ रहा था हिंदुओं से मुसलमानों से कि भैया आजादी मिल गई भैया, अब काहे लड़ रहे हो? बोले हम ऐसे ही लड़ते हैं, दोनों जाहिल कौमें है ना, दोनों पागल, दोनों एक से एक बड़े पागल है ना, दोनों में से एक समझदार होता तो मामला संभाल लिया था, दोनों है, उसकी अलग रायता है मुसलमानों का। एक साहब हमसे कश्मीर से मिलने आए थे, कहे हम आपको नमस्ते नहीं कर सकते। मैं क्यों? कहे हमारे धर्म में ना किसी के सामने झुक नहीं सकते। हमने कहा तो हमको बुलाने आओ पढ़ाने के लिए, झुक नहीं रहे हो? नहीं जाएंगे। उल्टी सीधी कहानी पैदा, पढ़े लिखे आदमी हो इस तरह से उल्टी सीधी कहानियां फैला रहे हो, हिंदू अलग परेशान है। और दोनों के तर्क बड़े मजबूत हैं, मतलब तुम तर्क नहीं काट सकते उनका। ये किया वो किया, अफगानिस्तान पहले हिंदू राष्ट्र था, मुसलमान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, धीरे धीरे सब क्या, धीरे धीरे सब बना लेंगे सब। अच्छा, वो 1948 से एक राष्ट्र है इतना बड़ा, ये इजराइल इतना ही बड़ा है और कम है, इतना बड़ा, ये देखो ये इतना बड़ा रास्ते, इतना बड़ा, ये दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा जो पीछे बैठे होंगे, और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है और उसमें ये इजराइल है, उन सबको मारता पटक पटक के। ताकत पैदा करनी है, ताकत, जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, ताकत पैदा करनी, ताकत।
जनसंख्या के आधार पे लोग राजा बने तो बकरी बन जाए, एक साथ 14 होते बच्चे पैदा होते 5-6। अभी मैंने अंबेडकर पे एक वीडियो बनाया था 14 अप्रैल को, देखा 4D, चार पहला डी दलित, दुनिया में जितने भी लोग परेशान, दलित मतलब कोई विशेष जाति नहीं, और अंबेडकर किसी के पेटेंट नहीं है, कि जितने पैगंबर टाइप के लोग होते हैं किसी के पेटेंट वोटेंट नहीं होते हैं, जितने भी, इसीलिए अंबेडकर के हाथ में क्या है, किताब है, चेहरा देखो, क्लीन शेव्ड चेहरा, चमकता हुआ, मूंछ थोड़ी रखा रहे हैं, कहा भी मैंने उस पर, उन्होंने बुद्धिज्म के किस वर्ग का प्रमोशन किया, नवयान का, नवयान, हीनयान, महायान, वज्रयान, अंबेडकर ने शुरू किया नवयान, नहीं देखा, पहला डी दलित, दूसरा डी डिग्निटी, अपने सम्मान के लिए जियो, तीसरा धम्म, रिलीजन उत्थान के लिए है, धर्म है, कोई जानवर इंद्रियों से ऊपर कभी नहीं उठ सकता। कभी कभी कुछ बड़े अति उत्साही लोग होते हैं, बड़ा बड़े कांड कर देते हैं, हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं अरुण लाल, देखो पता है तुम लोगों को एकदम पूरी सटीक जानकारी रखे हो, अरुण लाल जी हैं 66 साल के, शादी की उन्होंने कल, कितने वर्ष की दुल्हन है, देखो इंफॉर्मेशन देखो, यही तो मैं कहता हूं कि जहां तुम्हारे दिमाग को रस मिलता है तुम उसको सेव कर लेते हो तुरंत, ठीक है कुछ लोग होते हैं बहुत क्रांतिकारी टाइप के, इसीलिए जानवर की जो योनि है वो निकृष्ट योनि मानी गई है, क्योंकि वहां उत्थान का कोई रास्ता नहीं, जानवर इंद्रियों पर पैदा हुआ, इंद्रियों पर मरेगा, मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो इंद्रियों पर पैदा तो हुआ है लेकिन इंद्रियों से उठकर वो अपनी चेतना तक जा सकता है, मतलब भगवान बनने की क्षमता है उसके अंदर, ये धर्म का उद्देश्य है। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और चौथा डी है अंबेडकर का डेमोक्रेसी,